हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 23 जून 2020 का करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ट होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है, राजनाथ रिचेज मॉस्को, जयशंकर एंड वांग ई मीट टूडे एट RIC टॉक। तो कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, मॉस्को पहुँच गए हैं। मॉस्को किस लिए पहुँचे हैं? तो वहाँ विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे हैं। ठीक है, अभी विक्ट्री डे परेड क्या हुआ था उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो नाजी जर्मनी जब रसिया को सरेंडर किया था, उसी दिन को याद करते हुए हर साल रसिया में विक्ट्री डे परेड मनाया जाता है। इस बार एक खास क्यों है? तो क्योंकि ये 25th एनिवर्सरी है ना, मतलब 1945 का 25 ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो उसका विक्ट्री डे परेड का 75th एनिवर्सरी है। इसलिए थोड़ा सा ये खास था, इसलिए कई विदेशी मेहमानों को बुलाया गया। तो इसी क्रम में राजनाथ सिंह हमारे मॉस्को पहुँचे, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने मॉस्को पहुँचे हैं। दूसरा न्यूज़ यहाँ पे था कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर साहब, और वांग ई जो चाइना की तरफ से विदेश मंत्री उसके काउंटर पार्ट हैं, दोनों के बीच में मीटिंग होने वाला है। एक्चुअली मीटिंग वर्चुअल होने वाला है, मतलब आमने सामने नहीं मिलने वाले हैं। तो मीटिंग होगा RIC टॉक। ठीक है, तो RIC टॉक एक्चुअली क्या है? तो रसिया, इंडिया और चाइना एक इनफॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल ग्रुप कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका कोई जैसे होता है ना कि सार्क का मीटिंग होने वाला है, ब्रिक्स का मीटिंग होने वाला है, तो ब्रिक्स का मीटिंग को एक कंट्री होस्ट करता है ना। तो इस तरीके का RIC का मीटिंग इस तरीके का नहीं है कि ब्रिक्स, सार्क या फिर WTO या फिर और भी जो बहुत सारे संगठन है, जैसे SCO एक संगठन है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और भी कई संगठन है, G20 हो गया, G7 हो गया। तो इस तरह का कोई ग्रुप नहीं है RIC, बस एक इनफॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल ग्रुप कहने का मतलब कि इसका कोई फॉर्मल नियम कानून नहीं है। जब भी जैसे मतलब कि ये तीनों देश आपस में किसी भी ओकेजन पे एक जगह हो जाते हैं, मान लीजिए कि किसी भी ओकेजन पे जैसे SCO में है, तो SCO में रसिया भी है, इंडिया भी और चाइना में, तो SCO की मीटिंग में गए तीनों देश के प्रधानमंत्री। तो तीनों देश के प्रधानमंत्री जब वहाँ पे एक साथ मिल गए, तो वो 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए एक छोटा सा मीटिंग कर ले, तो उसी को बोलते RIC मीटिंग। ठीक है, तो एक तरह समझिए कि जैसे इसका कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं है कि स्पेशल RIC मीटिंग के लिए कोई कहीं जाता है। जैसे G20 कंट्री है, तो G20 की मीटिंग में यदि मिल गए तीनों, तो वहाँ पे मीटिंग हो गया। तो इस तरीके से इनका काम चलता है। तो RIC कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है, रसिया, इंडिया और चाइना के एक इनफॉर्मल ग्रुप है। तो एस जयशंकर और चाइना के काउंटर पार्ट जो विदेश मंत्री वहाँ के वांग ई, दोनों के बीच में होने वाला है आज बात, वार्तालाप होने वाला है। और जो गलवान वैली में जो भी झड़प हुआ उसके बाद पहली बार दोनों का मीटिंग होगा, वर्चुअल ही सही लेकिन पहली बार होगा। पहले तो ऐसा माना जा रहा था कि RIC मीटिंग को इंडिया स्किप कर देगा, मतलब इंडिया इसमें शामिल ही नहीं होगा, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय की तरफ बोला कि नहीं, हम इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ से। तो नेक्स्ट है, बिहार इज ऑन इट्स माइंड, EC अलाउ पोस्टल बैलेट फॉर COVID-19 इफेक्टेड। तो यहाँ पे एक न्यूज आ रहा है कि बिहार को दिमाग में रखते हुए है ना, जो ये जो हमारे सुनील चंद्र जो है इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है बल्कि इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो हमारे CEC कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा दो और होते हैं, मतलब 1+2 मेंबर बॉडी होता है। ठीक है, तो एक जो है इलेक्शन कमिश्नर है सुनील चंद्र, एक है अशोक लवासा। ठीक है, इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इसका आप नाम बताइए कमेंट सेक्शन में उनका। तो कहा जा रहा है कि बिहार को दिमाग में रखते हुए इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऐसा सोचा जा रहा है कि पोस्टल बैलेट के अलाउ किया जाए, जैसा कि पहले होता था। ठीक है, COVID-19 इन्फेक्टेड एरिया में एक्चुअली होगा क्या कि EVM के बटन को प्रेस करना पड़ता है। मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन उसको प्रेस करता है, दूसरा दोबारा यदि कोई अनइन्फेक्टेड मतलब कि जो हेल्दी पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में आता है, तो हेल्दी पर्सन को भी खतरा हो जाता है वहाँ पर इन्फेक्शन का। इसी को रोकने के लिए यहाँ पर दिमाग में लाया गया है कि पोस्टल बैलेट लाया जाए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर विल गो फॉर एक्स्ट्रा माइल टू इंश्योर दैट पैंडेमिक डजेंट अफेक्ट द वोटर टर्नआउट। तो पैंडेमिक से वोटर टर्नआउट पर कोई असर न पड़े, इलेक्शन कमीशन इसका पूरा ध्यान रखेगा, और इलेक्शन टाइम पे हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा, है ना, कि इलेक्शन टाइम पे हो। इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि COVID-19 सस्पेक्टेड अफेक्टेड पर्सन हैज बीन अंडर रूल 27A है किसका, तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 का, तो 1961 का एक रूल है कि किस तरीके से इलेक्शन होगा इंडिया में, उसी का रूल 27A के तहत COVID-19 इन्फेक्टेड पर्सन को छूट दिया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि टू बी एलिजिबल अंडर द न्यू कैटेगरी, इस कैटेगरी में आने के लिए द वोटर शुड बी टेस्टेड पॉजिटिव इन अ गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी और वन डिजिग्नेटेड बाई गवर्नमेंट एज अ कोविड हॉस्पिटल। ठीक है, तो मतलब कि जो पेशेंट किसी को पॉजिटिव होना पड़ेगा इस तरीके का सुविधा को लाभ उठाने के लिए। ठीक है, बाकी सबके लिए EVM ही होगा। वोटर्स अंडर होम क्वारंटाइन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कैन ऑल्सो अवेल द पोस्टल बैलेट ऑप्शन। तो जो होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है वो भी पोस्टल बैलेट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, देयर विल बी SOP फॉर द कोविड पॉजिटिव टू बी नोटिफाइड टू द रिटर्निंग ऑफिसर वंस द एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड, द वोटर विल नॉट बी अलाउड टू वोट इज एट हिज और पोलिंग बूथ। तो कहा जा रहा है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जहाँ के उस एरिया के रिटर्निंग ऑफिसर हैं, मतलब कि जहाँ पे उनका नाम था,
उसको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एप्लीकेशन जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो पोलिंग बूथ पे मतलब कि नहीं दे पाएगा बल्कि पोस्टल बैलेट के थ्रू दे पाएगा, ठीक है। और दिस फैसिलिटी विल बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्यूचर इलेक्शन इंक्लूडिंग बाई इलेक्शन। तो कहा जा रहा है कि ये आगे भी यदि कोई इलेक्शन होता है पेंडेमिक के दरमियान तो इसी तरह का सुविधा उसके लिए भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये था इस न्यूज़ से। और भी यहाँ पे कहा गया है कि जो बिहार के चीफ इलेक्शन इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, ठीक है, बिहार के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनसे कुछ मांगा गया है, सुझाव मांगा गया है कि क्या किया जाए। मतलब इनका ओवरऑल कहना यही था कि हम ये चाहते हैं कि बिहार के इलेक्शन टाइम पे हो और वोटर परसेंटेज पे उसका कोई असर ना पड़े पेंडेमिक का। हालांकि जाहिर सी बात है पड़ेगा, बहुत लोग वोट देने नहीं जाएंगे यदि इस तरह का इलेक्शन होता है तो, ठीक है, कितना भी सरकार सुविधा कर ले लेकिन कुछ तो असर पड़ेगा। लेकिन सरकार अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करेगी वोटर टर्नआउट बढ़ाने का। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे है कि सुप्रीम कोर्ट क्लियर पूरी रथ यात्रा बट नो क्राउड विथ डिस्टेंसिंग। तो क्या जरा पूरी रथ यात्रा जिसको रोका गया था, ठीक है, जिसको रोका गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरी रथ यात्रा, उसी को देख करके अहमदाबाद में भी रथ यात्रा रोक दिया गया था। तो फिर से इसमें जो दायर किया गया था विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्ली दायर किया गया था कि इसमें पुनर्विचार कीजिए, तो पुनर्विचार में सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर दिया रथ यात्रा को, तो एक अच्छी बात है। और यहाँ पे कहा गया लेकिन कंडीशन लगाया गया और सुप्रीम जो पूरी रथ यात्रा की मैनेजिंग कमेटी थी वो सारे कंडीशन को मानने को तैयार थी, तो इसलिए रथ यात्रा निकलेगा। रथ यात्रा जो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से आषाढ़ शुक्ल दशमी तक चलता है। इसमें तीन तरह के मंदिर होते हैं, मतलब तीन मंदिर होते हैं। एक होते हैं भगवान जगन्नाथ का, ठीक है, तो भगवान जगन्नाथ का तो रहेगा ही क्योंकि उन्हीं के नाम से रथ यात्रा, उनका बहन का और उनका भाई का, सुभद्रा का, सुभद्रा उनकी बहन का नाम है, ठीक है। तो तीन आदमी का यहाँ पे रहता है मंदिर टाइप का, लकड़ी का तीन यहाँ पे मंदिर रहता है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये तीनों वुडन होते हैं, ठीक है। इसमें मतलब तीन मूर्ति है, कौन कौन है, तो जगन्नाथ भगवान का और उसके बाद उनके भाई का भद्रबाहु नाम है जिनका, और उनकी बहन सुभद्रा का। उसके अलावा यहाँ पे सुदर्शन चक्र भी होता है जो उनका वीपन है ना, तो जो उनका वीपन उसके सुदर्शन चक्र भी इस रथ पे होता है। तो ये रथ पे आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय से आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी तक चलता है, ठीक है। तो वही हम बताया कि थ्री जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े थे। ऐसे बोबड़े के नेतृत्व में ये मतलब कि ये टीम गठित किया गया था तीन आदमी का। ये तीनों मिलकर के फैसला दिया कि मतलब कि निकाला जाए, ठीक है। लेकिन उसके लिए कई कंडीशन यहाँ पर लगाए गए हैं कि ज़्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए, डिस्टेंसिंग का फॉलो करना चाहिए। जैसे पहले लाखों से ज़्यादा लोग होते थे तो उतने लोग आपको नहीं देखने मिले, हो सकता है कि 50-100 मैक्सिमम मिले देखने को, और सब कुछ दूरी पर ही मिले और मास्क के साथ मिले तो अच्छी बात है। और तो यहाँ पे जैसे है कि दिखाया गया है कि पूरी में जितना एंट्री पॉइंट है जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सबको बंद रखा गया है फेस्टिवल के दरमियान। मतलब कि 2 से 10 तारीख के बीच में पूरी में किसी का एंट्री नहीं होगा, ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और रात को कर्फ्यू, जैसा कि वो तो अनलॉक वाले रूल में ही था कि रात को कर्फ्यू मेंटेन करना है, तो रात को कर्फ्यू मेंटेन रहेगा। तो ये था इस न्यूज़ से। नेक्स्ट यहाँ पे हियरिंग फ्रॉम होम। तो जैसे यहाँ पे उसी पिछले वाली न्यूज़ से ही रिलेटेड है कि जो कल यहाँ पे न्यूज जो हम लोग अभी डिस्कस किया पूरी का कि द क्रूशियल हियरिंग ऑन वेदर द जगन्नाथ रथ यात्रा कैन गो इन द मिडिल ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक मार्क्ड माइलस्टोन फॉर द सुप्रीम कोर्ट। तो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है माइलस्टोन की तरह काम करेगा। माइलस्टोन इसलिए क्योंकि यदि भविष्य में कोई भी धर्म का प्रोसीजन आएगा इस तरीके का जहाँ पे रथ निकालना हो, जैसे किसी भी धर्म का है, या तो सिख का है, मुस्लिम का है, क्रिश्चियन का है, और भी कोई डिफरेंट, या फिर हिंदू का ही अगला यदि कोई ऐसा निकलता है जहाँ पे रथ निकालना हो, रथ यात्रा निकालना हो, या फिर कोई जुलूस निकालना हो, तो इसी डिसीजन को यहाँ पे कोट किया जाएगा कि वहाँ पे अलाउ किया गया था, ये कंडीशन लगाया गया था, तो उसी कंडीशन के साथ हमको भी अलाउ कीजिए, है ना। इसलिए इसको माइनस टोन कहा गया है। लॉयर्स आर अपीयरिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इसके जो वकील थे, देश के टॉप वकील इसके लिए लड़ रहे थे इस केस में, मतलब कि भगवान जगन्नाथ यात्रा की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे थे, तो देश के कई हिस्से से लड़ रहे थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन बट परहैप्स फॉर द फर्स्ट टाइम द कोर्ट वाज सीटेड, ठीक है, इवन इफ वर्चुअली अवे फ्रॉम दिल्ली। तो कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ था कि दिल्ली से बाहर कोर्ट शिफ्ट हुआ था। जैसे रूल है कि दिल्ली से बाहर भी सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट कर सकता है, कैसे करेगा, तो सीजीआई यदि चाहे तो सीजीआई प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस करेंगे, और प्रेसिडेंट यहाँ पे बाउंडेड नहीं है कि सीजीआई की बात को मान लें। प्रेसिडेंट यदि राजी हो जाएंगे, ठीक है, दिल्ली के बाहर भी सुप्रीम कोर्ट को उसका एक बेंच शिफ्ट किया जाए, या फिर कुछ दिन के लिए उसका कोई बेंच बैठे वहाँ पे किसी केस के लिए दिल्ली से बाहर, तो सीजीआई प्लस प्रेसिडेंट मिलकर ये काम कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली मेंशन्ड है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली के बाहर मतलब कि कोर्ट बैठा, कैसे दिल्ली के बाहर कैसे बैठा, क्योंकि शरद अरविंद बोबड़े जो हमारे सीजीआई हैं अपने नागपुर में थे, ठीक है, तो सीजीआई नागपुर से यहाँ पे ऑनलाइन हुए, और कई वकील दूसरे देश के दूसरे हिस्से से ऑनलाइन हुए। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये वर्चुअली बोला जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कल दिल्ली से बाहर बैठा था, ठीक है। तो सीजीआई नागपुर कैसे पहुंच गया, 2 दिन पहले तक तो सुप्रीम कोर्ट में थे, मतलब कि वहां से ही ऑनलाइन होते थे वो वर्चुअली। तो एक्चुअली समर वैकेशन चालू हो चुका है 2 वीक का, सुप्रीम कोर्ट में 1 महीने का समर वैकेशन चलता था, लेकिन इस बार 15 दिन का ही समर वैकेशन लिया गया, समर ब्रेक लिया गया है, ठीक है।
दो वीक का, इसीलिए वह नागपुर चले गए अपने रेसिडेंस में। तो वहाँ बताया जा रहा है कि नागपुर से ऑनलाइन थे। उसके अलावा काफ़ी एक सीनियर एडवोकेट है हरीश सालवे, ठीक है। हरीश सालवे हमारे देश के काफ़ी नामी एडवोकेट हैं और काफ़ी महंगे एडवोकेट भी आप बोल सकते हैं। जो ICJ में जो पैरवी करना था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव का, यही किए थे। इसके अलावा इंडिया को कई जगह इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुके हैं ICJ में और भी कहीं कहीं। इसके अलावा ब्रिटेन का एक होता है, उसका रानी का एक स्पेशल, ब्रिटेन का जो क्वीन है उसका एक स्पेशल एडवोकेट का पैनल होता है, ठीक है। मतलब कि क्वीन को यदि किसी एडवोकेट की जरूरत होगी तो उसी पैनल में से किसी एडवोकेट को चूज करेगी, तो उसमें शामिल होना एक अपने आप में किसी भी एडवोकेट के लिए एक प्रेस्टिजियस बात होता है कि ब्रिटिश की, ब्रिटेन का जो क्वीन है उसके एडवोकेट पैनल में शामिल है। वहाँ पर काफ़ी टैलेंटेड एडवोकेट होते हैं, तो हरीश सालवे उसमें अभी एक हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिया की तरफ से पहली बार हरीश सालवे गए हैं, लेकिन हरीश सालवे अभी उसमें हैं जो क्वीन की एडवाइजरी काउंसिल में शामिल है, क्वीन के एडवोकेट एडवाइजरी काउंसिल में शामिल है। तो ये भी याद रखिए कि हरीश सालवे उसमें भी हैं। तो मतलब लेकिन ये पहले ऐसे क्या बोलते हैं, पहले ऐसे एडवोकेट हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी रजिस्टर्ड हैं और ब्रिटिश के और ब्रिटेन के जो क्वीन की जो काउंसिल है वहाँ भी रजिस्टर्ड है। पहले क्या होता था कि इसके पहले जितने भी इंडिया की तरफ से शामिल हुए ब्रिटेन के रानी के जो काउंसिल है उसमें, तो सुप्रीम कोर्ट के एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट में उनका नाम रजिस्टर नहीं होता था, क्योंकि वो या तो वहीं के सिटीजनशिप ले चुके होते थे या फिर जब से एडवोकेट वकालत किए थे तब से वहीं पे ब्रिटेन में ही वकालत कर रहे होते थे, तो सुप्रीम कोर्ट में कभी केस वो नहीं लड़े होते थे, ठीक है। तो लेकिन हरीश सालवे पहले ऐसे वकील है जिनका नाम सुप्रीम कोर्ट में भी रजिस्टर्ड है वकील के तौर पर और ब्रिटेन के रानी के काउंसिल में भी रजिस्टर्ड है, तो ये याद रखिएगा। हालांकि हरीश सालवे इंडिया की तरफ से पहले ऐसे व्यक्ति नहीं जो ब्रिटेन के रानी के काउंसिल में शामिल हुए हैं। तो ये लंदन से यहाँ पे थे, ठीक है, ये लंदन से थे। उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी वकील थे, उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी वकील थे और लंदन से थे। उसके अलावा और भी कई देश के जाने माने वकील इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ भाजपा की तरफ से भी थे, कुछ RSS की तरफ से थे, कुछ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। आई थिंक 15-16 वकील इंडिया के टॉप वकील, एकदम जो टॉप मोस्ट जो इंडिया का अभी वकील का ऑर्डर चल रहा है, वो सब सारे इसमें शामिल थे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो झारखंड प्लान्स फॉर जॉब गारंटी स्कीम फॉर अर्बन पुअर, तो जैसे मनरेगा है रूरल एरिया के लिए, ठीक है, ग्रामीण एरिया के लिए है। इसके कल हम लोग न्यूज डिस्कस किए थे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, उसके तहत था कि स्किल्ड सेक्टर में जॉब देना है, स्किल्ड सेक्टर में 125 दिन का जॉब देना है। मनरेगा में 100 दिन का जॉब दिया जाता है, उसके लिए 50,000 करोड़ रुपया इशू किया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए, ठीक है। उसी तरीके की एक स्कीम झारखंड गवर्नमेंट अपना ला रही है जिसका नाम है झारखंड प्लान्स जॉब गारंटी स्कीम फॉर अर्बन पुअर, अर्बन पुअर के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी वही है कि मिनिमम 100 दिन का जॉब दिया जाएगा, बिल्कुल सेम कंडीशन वही है जो मनरेगा का है, लेकिन एक कंडीशन डिफरेंट है कि मनरेगा का पेमेंट है 194 रुपया डेली, ठीक है, उससे इसका पेमेंट 40% ज़्यादा होगा, तो 194 प्लस 40% ऑफ 194 तो लगभग 270 रुपये के आसपास आएगा, ऐड कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, हाँ 274 रुपया आएगा, है ना। तो यही यहाँ पे बताया गया है, तो हेमंत सोरेन के द्वारा चालू किया गया कि 15 दिन मतलब कि इस तरीके का स्कीम लाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कि राजस्थान अनाउंसेज इंदिरा रसोई योजना, तो एक्चुअली राजस्थान में पहले से एक ऐसा ही योजना चल रहा था जिसका नाम था अन्नपूर्णा रसोई योजना, ठीक है। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना का बस नाम बदल करके इंदिरा रसोई योजना कर दिया गया, बाकी कुछ इसमें नया नहीं है। इसके तहत क्या है कि दिन में 2 बार खाना दिया जाएगा, ठीक है, मील्स ट्वाइस अ डे विल बी सून मेड अवेलेबल फॉर द पुअर एट कंसेशनल रेट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट इंदिरा रसोई योजना, ठीक है। तो पहले इसका नाम था अन्नपूर्णा रसोई योजना, बाकी सब कुछ सेम है, बस नाम बदल दिया गया है। और यहाँ पे अपना नेता का वहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि तारीफ करना है, यहाँ पे मेंशन किया है कि आई एम अनाउंसिंग दिस टू टुडे, इंदिरा गांधी वाज ग्रेट लीडर एंड द रीजन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, सी ब्राउड इन द ग्रीन रेवोल्यूशन, कंडक्टेड द न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण ड्यूरिंग 1974। तो यहाँ पे उनका उपलब्धि गिनाया गया है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी जो है बांग्लादेश की क्रिएशन करवाई, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया उनके द्वारा। हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन हम तो किताबों में पढ़ते हैं कि M.S. स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था, बांग्लादेश सेना के द्वारा लड़ करके बनाया गया था, ठीक है। और पोखरण टेस्ट किया गया था 1974 में, ये भी कई वैज्ञानिकों के सहयोग से था। तो लेकिन फिर भी माना जाता है कि इंदिरा गांधी ये सब काम की थी अकेले, तो इसलिए उनको क्रेडिट देते हुए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत किया गया। वही बीजेपी की लीडर है वसुंधरा राजे सिंधिया, जो पिछले बार मुख्यमंत्री भी थी, फॉर्मर CM भी थी, वो गवर्नमेंट पे एक्यूज मतलब कि आरोप लगा है कि अन्नपूर्णा रसोई योजना का बस नाम चेंज कर गया। तो सही बात है, अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम चेंज कर गया है, ठीक है, बाकी सब कुछ वही है। तो याद रखिए कि इंदिरा रसोई योजना कहाँ चालू किया गया, तो राजस्थान में चालू किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कि इंदौर एडमिनिस्ट्रेशन इन्वोक NSA, है ना, NSA इन्वोक किया गया कि इसको, तो 2 आदमी जो काउ स्लॉटर में मतलब कि काउ स्लॉटर में इंगेज था, ठीक है, मतलब कि गाय का स्लॉटर में, ठीक है, उसको इलीगल रूप से मारने में इंगेज था, तो उसके खिलाफ NSA लगाया गया है। तो हालांकि NSA इसके लिए नहीं लाया गया था कि जो काउ स्लॉटर करेगा उसके ऊपर इन्वोक कर दिया जाएगा, ठीक है। NSA जब लाया गया था उस समय था कि जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस क्राइम करेगा जो जिससे देश को खतरा हो, ठीक है,
तो उस पर ऊपर लगाए जाने के लिए। लेकिन अब जो है NSA का उपयोग किया जाता है ज़्यादातर अपने विपक्षी पार्टी के लोगों को फंसाने के लिए, भले ही BJP हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों तरफ से यही होता है। मतलब कि जिस किसी का भी सरकार हो जो चाहती है कि उस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा NSA लगाया जाए, रीजन जो भी हो। तो जैसे इसके पहले तो ऐसा पहली बार नहीं कि काउ स्लॉटर पे यहाँ पे NSA लगाया जा रहा है, अभी तो BJP के द्वारा लगाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके पहले जब वहाँ पे कमलनाथ की सरकार थी तो वो तो कांग्रेस के थे, उनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया कि गौ हत्या के ऊपर NSA लगाया जाना। तो जो सिस्टम है उनके द्वारा ही चालू किया गया था, उसी सिस्टम को BJP तो आगे ले जा रही है, ठीक है। करीब 1.5 साल पहले न्यूज आया था कि काउ स्लॉटर करने पे NSA लगाया गया, तो पूरा इंडिया भर में इसको मतलब कि अगेंस्ट भी हुआ था, कई कांग्रेस के नेता ही इसका विरोध कर रहे थे कि काउ स्लॉटर जो है किस तरीके से NSA के अंदर आता है। तो उनके द्वारा दलील दिया गया था कि इस तरीके से केस से क्या होता है कि दो कम्युनिटी के बीच में झड़प होता है, मतलब दो कम्युनिटी के बीच में मतभेद बढ़ता है, ठीक है। और मतभेद बढ़ने के कारण देश का आंतरिक जो सुरक्षा खतरे में आता है, तो एक तरह से इनडायरेक्टली ये देश के आंतरिक सुरक्षा को चैलेंज कर रहा है, इसलिए काउ स्लॉटर पे NSA लगाया जाएगा। तो उसी को आगे बढ़ाया गया है अभी BJP गवर्नमेंट के द्वारा भी, ठीक है। तो यहाँ पे वही मेंशन किया है कि BJP रिटर्न टू पावर मध्य प्रदेश 3 मंथ है, तो वहाँ से पहला ऐसा इन्वोकेशन है, मतलब BJP गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार NSA लगाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। इस बार आने पर 3 आदमी के ऊपर लगाया गया है यहाँ पे। और हम लोग NSA के बारे में पढ़ लेते हैं, न्यूज़ में हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, NSA के बारे में पढ़ लेते हैं। NSA एक्ट आया था 1980 में, 1980 का एक एक्ट है, NSA एक्ट 23 सितंबर 1980 को लाया गया था। इसके तहत क्या है कि 12 महीने का जेल आपको हो सकता है बिना कुछ बताए हुए, जैसे होता है ना नॉर्मली कि आपको कोर्ट में पेश किया जाता है, तो 12 महीने का जेल आपको मतलब कि मिनिमम हो सकता है, गवर्नमेंट चाहे तो 12 महीने तक आपको बिना कोर्ट में पेश किए हुए रख सकती है। उसके अलावा आपको अरेस्ट करते समय इसमें कारण नहीं बताएगा, बल्कि इसमें 5 दिन तक कारण नहीं बताना है कि आपको अरेस्ट करके ले जाएगा और 5 दिन तक आपको कारण नहीं बता सकता है। और इसको 5 से बढ़ा करके 12 दिन तक भी किया जा सकता है। तो ऐसा बोल सकते हैं गवर्नमेंट यदि चाहे तो 12 दिन तक बिना आपको कारण बताए अरेस्ट करके रख सकती है कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया, ये भी नहीं बताया जाएगा। इसके अलावा और भी इसमें कई तरह के मतलब कि कड़े कानून हैं, और इसमें यह भी है कि आपको कोई वकील नहीं दिया जाएगा। हाँ, आपका 12 महीने के बाद आपको पेश किया जाएगा या 12 महीने के पहले भी पेश किया जा सकता है कोर्ट में, लेकिन आपको कोई वकील नहीं दिया जाएगा, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना आपको प्राइवेट वकील रखने का ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली रॉलेट एक्ट की तरह है, ये 1980 में लाया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। हालांकि इसका आजकल काफ़ी ज़्यादा मिसयूज भी होता है। तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक जो काउ स्लॉटर के अगेंस्ट में है, तो मतलब कि एक DPSP में हमारा एक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक हमारा रूल है, एक आर्टिकल है इसके लिए। तो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है कि काउ के इलीगल ट्रेडिंग को रोकना है, काउ स्लॉटर को रोकना है, गौ हत्या को रोकना है, ये हमारे DPSP में लिखा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा गया। और ऐसा नहीं कि संशोधन करके बाद में लिखा गया, ओरिजिनल जो संविधान था उसमें लिखा गया है कि इलीगल काउ स्लॉटर को रोकना है, यदि गैरकानूनी रूप से यदि किसी मतलब कि काउ स्लॉटर को रोकना है, गौ हत्या को बचाना है, ठीक है। ये कहाँ लिखा गया है, DPSP में लिखा गया, कौन से आर्टिकल में लिखा गया, आप कमेंट सेक्शन बताइए कि आर्टिकल कौन सा है। अब जैसा कि हम बता दिए कि DPSP में तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में ही होगा, है ना, तो आप यहाँ पे बताइए कि कौन से आर्टिकल में लिखा गया कि काउ स्लॉटर को रोकना है, ठीक है। ये आपके लिए आज मतलब कि क्वेश्चन यहाँ पे ये था NSA के बारे में। नेक्स्ट है कि हाईकोर्ट हियरिंग ऑन अहमदाबाद पुलिस इशू रथ यात्रा रूट। तो कहा जा रहा है कि जिस तरह के जैसे पहले पूरी में रोका गया था रथ यात्रा, उसी तरह का रथ यात्रा अहमदाबाद में भी होता है, तो अहमदाबाद में उसी को देख करके अहमदाबाद के रथ यात्रा को रोक दिया गया था। लेकिन जब पूरी में भी डिसीजन मिल गया कि हाँ रथ यात्रा चालू कर सकते हैं, तो लोग अहमदाबाद हाईकोर्ट भी पहुँचे, जो गुजरात का हाईकोर्ट है वहाँ भी लोग अप्रोच किए कि यहाँ भी मतलब ऑर्डर दिया जाए, क्योंकि वहाँ तो मिल गया है परमिशन, तो आप यहाँ भी परमिशन दे दीजिए रथ यात्रा के लिए, सेम कंडीशन लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाईकोर्ट कुछ भी सुनने से मना कर दिया है ना, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस विक्रम नाथ रिफ्यूज टू एंटरटेन द एप्लीकेशन एंड डिस्पोज इट। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि कई आज हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ डिसीजन आए, क्योंकि हाईकोर्ट बोला है कि ठीक है हम पुलिस का बात सुनेंगे, पुलिस भी वहाँ पर एप्लीकेशन दायर की थी। तो हाईकोर्ट भी रिफ्यूज टू मॉडिफाई इट्स June 20 ऑर्डर, 20 जून को जो ऑर्डर आया था हाईकोर्ट का, उसको मॉडिफाई करने से रिफ्यूज कर दिया कि रथ यात्रा निकाला जाएगा, उसको रोक दिया गया था कि रथ यात्रा नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इवन एज द इवनिंग हियरिंग वाज ऑन, शाम तक, कल शाम तक, मतलब कल जो 22 तारीख था उसके शाम तक, आज एक्चुअली आज से रथ यात्रा निकालना है, ठीक है। आज 23 है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय है, आज से रथ यात्रा निकालना है। तो कहा जा रहा है कि शाम तक इस तरह का चल रहा था प्रोसेस, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर हियरिंग चल रहा था। ऑफिस ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर ट्रैफिक ऑफ अहमदाबाद पुलिस कमिश्नरेट पुट आउट रूट प्लान। तो कहा जा रहा है कि जो वहाँ के ट्रैफिक कमिश्नर है, ठीक है, उनके द्वारा एक रूट दिखाया गया था कि 134 रथ यात्रा। तो एक्चुअली जो अहमदाबाद का रथ यात्रा है पूरी के मुकाबले काफ़ी पुराना है, ठीक है। कल के न्यूज़ में हम लोग डिस्कस किए थे कि कब जो है चालू किया गया था अहमदाबाद का रथ यात्रा, तो अभी से 143 साल माइनस कर लीजिए आपको मिल जाएगा कि कब रथ यात्रा चालू किया गया था, ठीक है।
तो 1878 में चालू किया था, हम बता ही देते हैं 1878 में चालू किया गया था। तो इस बार 143rd है, इस बार 143rd रथ यात्रा था अहमदाबाद का। तो उसके लिए एक प्लान बताया गया था, एक रूट प्लान बताया गया था कि कम से कम रथ को जो है बाहर निकाल कर कुछ दूर तो घुमाने दीजिए, भले ही लंबा यहाँ पे नहीं चलेगा, मतलब कि प्रोसेशन यात्रा लंबा नहीं चलेगा, लेकिन कुछ दूर तक करने दीजिए, ऐसा पुलिस कमिश्नर का भी कहना था वहाँ। तो इसके ऊपर सुनने वाली है हाईकोर्ट, ठीक है। इसके अलावा और भी कई भी हिंदूवादी संगठन के द्वारा या फिर वहाँ के जो हिंदू युवा वाहिनी है और भी कई एप्लीकेशन वहाँ पर दायर किए थे, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भी एप्लीकेशन दायर किया गया था, उसको रिफ्यूज कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा सुनने से। इसके अलावा जो है मंडे इवनिंग को चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी और उनकी वाइफ अंजलि, ठीक है, और उसके बाद अंजलि जो है उनकी वाइफ और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो वहाँ के हैं दोनों जगन्नाथ टेम्पल गए, ठीक है, और वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ अनाउंस किए कि हम लोग हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे इसके लिए, मतलब हाईकोर्ट में वहाँ की गवर्नमेंट भी हाईकोर्ट जाने वाली है। तो हो सकता है गाइस इस पर कुछ थोड़ा पॉजिटिव न्यूज आए, और आई होप मतलब कि हम भी आशा करते हैं और हम भी चाहते हैं कि रथ यात्रा कुछ ही दूर के लिए निकले, लेकिन रथ यात्रा निकले, रुके नहीं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे भाई हाई अल्टीट्यूड वारफेयर इज चैलेंजिंग हाउस होल्डर अ ट्रेन। तो यहाँ पे एक काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ना है हम लोग को कि किस तरीके से हाई अल्टीट्यूड पे जो लड़ाई होता है काफ़ी चैलेंजिंग होता है, सोल्जर को कैसे उसके लिए ट्रेनिंग किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि इंडिया जो है, इंडिया को माना जाता है कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है सियाचिन, है ना, वहाँ पे भी इंडिया के सैनिक तैनात थे, -40 डिग्री सेल्सियस पे तैनात है, ठीक है, और उधर जो पाकिस्तान के भी सैनिक वहाँ पे तैनात हैं, -40 डिग्री सेल्सियस पे तैनात हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि दुनिया का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड सियाचिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच का है। उसके अलावा लद्दाख भी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, है ना। तो इस तरीके से दुनिया भर में माना जाता है कि यदि कहीं हाइट पर लड़ने का मौका आए, ठीक है, मतलब कि यदि काफ़ी ज़्यादा हाइट पर लड़ने के लिए बोला जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के सैनिक उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेंड है, जिसमें इंडिया को इसका मास्टर माना जाता है कि इंडिया के सैनिक जो है, क्योंकि इंडिया कारगिल युद्ध जीत चुका है, उसके अलावा ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन जीत चुका है, ठीक है, तो इसलिए इंडिया को यहाँ पे अपर हैंड मिलता है पाकिस्तान के मुकाबले, कि इंडिया के सैनिक जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड है इस मुकाबले में कि ऊंचाइयों पे यदि युद्ध लड़ने की बात है, ठीक है, ज़्यादा हाइट पे यदि लड़ाई लड़ने की बात है तो इंडिया के सैनिक उसके लिए दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे सैनिक कितने कैपेबल हैं। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हाई अल्टीट्यूड वारफेयर कैसे चैलेंजिंग और कैसे इसके लिए सोल्जर को तैयार किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। तो यहाँ पे द वायलेंट स्टैंडऑफ बिटवीन इंडिया चाइनीज ट्रूप्स इन गलवान वैली ऑफ लद्दाख रीजन से थ्रोन द स्पॉटलाइट ऑन हाई अल्टीट्यूड वारफेयर। तो कहा जा रहा है कि जिस तरह से गलवान वैली में जो कुछ भी हो, इससे एक बार फिर न्यूज़ में आया कि हाई अल्टीट्यूड वारफेयर किस तरीके से होता है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि हाउ इज हाई अल्टीट्यूड वारफेयर फाउट। द हाई अल्टीट्यूड वारफेयर इज फाउट कीपिंग द टेरेन एंड वेदर इन माइंड। तो उस समय लड़ने के समय टेरेन, वहाँ का टेरेन यानी कि वहाँ का जो जमीन कैसा है इसको ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अलावा वहाँ का वेदर दिमाग में रखना पड़ता है कि यहाँ का वेदर कैसा है। द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग द ट्रूप्स रिक्वायर फॉर हाई अल्टीट्यूड वारफेयर आर द की फैक्टर्स। तो इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रेवोल्यूशन ऑफ सच वारफेयर बैक अ लॉन्ग वे। इस तरीके का वारफेयर जो काफ़ी पहले से, ऐसा नहीं है कि इंडिया और चाइना या पाकिस्तान आजकल कर रहे हैं, काफ़ी पहले से ऊंचाइयों पर युद्ध लड़ा गया है। यूरोपियन कंट्रीज हैज माउंटेन ब्रिगेड्स इन व्यू ऑफ द काइंड ऑफ टेरेन प्रेफरेंट इन दोज कंट्री। तो कहा जा रहा है कई यूरोपियन कंट्री में माउंटेन ब्रिगेड हैं, ठीक है, माउंटेन ब्रिगेड, जैसे हमारे यहाँ भी एक माउंटेन ब्रिगेड है, हिमालयन ब्रिगेड है, उसके अलावा और भी कई ब्रिगेड हैं, यहाँ पे काराकोरम ब्रिगेड भी हमारे यहाँ है, ठीक है। तो इसे यूरोपियन कंट्री में माउंटेन ब्रिगेड हुआ करता था। द हार्शनेस ऑफ टेरेन कॉल्स फॉर स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ ट्रेनिंग टू प्रिपेयर सोल्जर इन टर्म ऑफ माइंडसेट एंड एक्लिमेटेशन। तो कहा जा रहा है कि यहाँ का जो हार्श क्लाइमेट है, ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मतलब सैनिकों को उसके दिमाग में बैठाना, उनके लिए माइंडसेट उनके लिए सेट करना, ठीक है, उनका माइंड उस तरीके से सेट होना कि हमको इस कंडीशन में लड़ना है। तो सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना है, सबसे बड़ा जरूरी है। टू बिगिन विथ द ट्रूप्स आर इम्पार्टेड ट्रेनिंग इन बेसिक एंड एडवांस ट्रेनिंग इन माउंटेनरिंग। तो कहा जा रहा है कि इसके लिए ट्रूप्स को माउंटेनरिंग मतलब पर्वत पर कैसे चढ़ना, माउंटेन पर कैसे चढ़ना, इसका ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। एक इसके द्वारा कहना है तो कारगिल वेटरन मतलब कारगिल के युद्ध में काफ़ी पराक्रम दिखाने वाला महावीर चक्र विजेता है कर्नल सोनम वांगचुक, ठीक है, जो लेह में रहते हैं। तो उनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है हाउ इज इंडिया इक्विप्ड इज सच वारफेयर। तो इंडिया कैसे इस तरीके से लड़ता है, तो जनरली इंडिया इज कंसिडर्ड अ हब ऑफ माउंटेन वारफेयर स्किल। तो जैसा कि पहले बताया, इंडिया को इसका हब के रूप में माना जाता है, सिंस मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट रिक्वायर सच स्किल। तो कंट्री के नॉर्थ हिस्सा हो या नॉर्थ ईस्ट हिस्सा हो, दोनों जगह इस तरह का स्किल माना जाता है। हमारे सैनिक -40 डिग्री में तैनात है सियाचिन में, वहीं जहाँ पे 52-53 डिग्री सेल्सियस चला जाता है राजस्थान में, वहाँ भी हमारे सैनिक तैनात हैं। तो या तो सबसे ठंडा हो या सबसे ज़्यादा गर्म हो, इतना ज़्यादा रेंज में हमारे सैनिक को लड़ने की क्षमता है। लद्दाख स्काउट कंसिडर द बेस्ट इन काइंड ऑफ वारफेयर। तो लद्दाख में जो स्काउट है मतलब लद्दाख में जो सैनिक तैनात हैं उनको इस कंडीशन में सबसे बेस्ट माना जाता है। माउंटेन कॉर्प अटैक्टिक इन्वॉल्व इन सच वारफेयर इवॉल्व इन इंडिया वेयर द माउंटेन टेरेन इज वेरी डिफिकल्ट टू स्केल। कर्नल सोनम सेड द माइंडसेट ऑफ द एनिमी सिटिंग अबव नीड टू बी असेंट टेकिंग स्टॉक
ऑफ द इंटायर सिचुएशन वन नीड व्हेन दे आर क्रिएट वर्टिकल क्लिप्स। इट इज जनरली परसीव दैट द एनिमी हैज टेकन डिफेंसिव पोजीशन विद विल बी लेस गार्डेड फ्रॉम द साइड ऑफ डिफिकल्ट अप्रोचेस। तो कहा जा रहा है कि हमेशा ये सोचा जाता है कि दुश्मन के बारे में ये सोचा जाता है कि मतलब कि हम लोग डिफेंसिव पोजीशन में, हम लोग एग्रेसिव पोजीशन में नहीं है। जब जैसे कहा जा रहा है कि जब कोई पहाड़ पे जब चढ़ता है, ठीक है, जब कोई भी सैनिक पहाड़ पे चढ़ने लगता है, मतलब ऊपर जब जाता है, तो उसको वो बार बार ये ध्यान में रखता है कि हम लोग डिफेंसिव पोजीशन में, मतलब इमेजिनरी रूप से मान लेता है कि दुश्मन जो है हमारे सैनिक के ऊपर कब्जा किए हुए हैं, हमारा जो चेक पोस्ट है पहाड़ के ऊपर उस पर हमारे दुश्मन अभी आए हुए हैं और हमको बच बचा करके वहाँ तक पहुँचना है और दुश्मन से छीनना है, जबकि एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। मतलब इमेजिन कर लिया जाता है माइंड में कि एक हमारे हमारे मतलब हमारे पोस्ट पे दुश्मनों का कब्जा हो चुका है और हमको उन लोग से छीनना है, और इस माइंडसेट के साथ वहाँ पे सैनिक जो उनको उनके अंदर जोश भरा जाता है, एक तरह से उनके अंदर हिम्मत भरी जाती है और इस तरीके से ऊपर भेजा जाता है उन लोग को। नहीं तो यदि इस तरीके दिमाग में माइंडसेट नहीं बनाया जाएगा तो लोग ऊपर चढ़ेंगे नहीं, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ऊपर जाना। नेक्स्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस इन्वॉल्व इन द वॉरफेयर इन हाई अल्टीट्यूड प्लेस लाइक गलवान वैली। तो चैलेंजेस क्या है, अ बिग फैक्टर हु हैज टेकन डिफेंसिव पोजीशन एंड हु इज सिटिंग ऑन द हायर ग्राउंड। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि कौन डिफेंसिव पोजीशन में है और कौन हायर ग्राउंड पे, मतलब ऊंचाइयों पर कौन है। जैसे जहाँ जब भी हाइट पर लड़ाई लड़ा जाता है तो वहाँ पर देखा जाता है कि हाइट पर कौन है, मतलब कि किसका चेक पोस्ट ज़्यादा हाइट पर है, उसको थोड़ा सा एक बेटर एडवांसमेंट मिल जाता है, और बाकी जो नीचे वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा डिफेंसिव रहना पड़ता है। वंस ट्रूप आर सिटिंग ऑन हाई ग्राउंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसलॉज देम फ्रॉम देयर। तो कहा जब कोई भी ट्रूप जो कोई भी सैनिक जब सब हाई ग्राउंड पे चला जाता है तो उसको वहाँ से हटाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इन अ प्लेस लाइक गलवान वैली विच एब्सोल्युटली बैरन देयर इज नो मच कंसीलमेंट। तो कहा जा रहा है कि गलवान वैली काफ़ी बैरन है, ठीक है, वहाँ पे छिपने के लिए घास या झाड़ी भी नहीं है। द सोल्जर्स ऑन हाई ग्राउंड इज एब्सोल्युटली स्टेशनरी विच मेक्स देम दोज ऑन लोअर टेरेन इजी टारगेट। तो कहा जा रहा है कि जो सोल्जर वहाँ पे होते हैं तो स्टेशनरी होते हैं, स्थिर होते हैं, तो उनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट हो जाता है जो लोअर ग्राउंड पे हैं, ठीक है, वहाँ से क्लियरली उनको देख सकते हैं, इजी टारगेट बना सकते हैं। इनेमी कैन पिक देम वन बाय वन। इनेमी जो है मतलब कि जो ऊपर में जो सैनिक है नीचे वाले सैनिक को वन बाय वन भी मार सकता है। नॉर्मली इन माउंटेन वारफेयर ट्रूप्स ऑन लोअर ग्राउंड यूज अ कॉम्बैट रेशियो ऑफ 1:6, बट इन सर्कमस्टेंसेज गलवान इट मे गोज टू अप टू 10। तो कहा जा रहा है कि नॉर्मली जैसे माउंटेन जहाँ पे माउंटेन वारफेयर होता है वहाँ पे 1:6 के रेशियो में सैनिक भेजा जाता है। मान लीजिए कि ऐसा मतलब जो अपर ग्राउंड पे है उसका एक सैनिक और लोअर ग्राउंड वाले के 10 सैनिक के बराबर हो जाता है, ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि एक माउंटेन पीक ऐसे है, ऐसे माउंटेन पीक है, एक ऐसे माउंटेन पीक है, तो सबसे हाईएस्ट वाला जो माउंटेन मान लीजिए इसमें इंडिया का कब्जा है, मान के लो इंडिया पर कब्जा ही है हम हाईएस्ट वाले पे, और चाइना का कब्जा यहाँ पे है, तो इंडिया मतलब कि चाइना यदि 6 सैनिक रखेगा तो उसको बराबरी करने के लिए इंडिया को मात्र एक ही सैनिक रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया यहाँ पे अपर ग्राउंड पे है। लेकिन गलवान वैली जैसे सिचुएशन में जहाँ पे माउंटेन के डिफरेंस काफ़ी कम है, मतलब कि हाईएस्ट पीक और जो जहाँ पे चाइना का चेक पोस्ट है और इंडिया का चेक पोस्ट है दोनों के बीच का हाइट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस कम है, हाइट का डिफरेंस कम है, तो वहाँ पे 1:10 के रेशियो में रखना पड़ता है। मतलब चाइना की तरफ से एक सैनिक तो हमारे चाइना की तरफ से 10 सैनिक हमारे एक सैनिक यहाँ पे आते हैं, इसलिए गाना भी था कि 10-10 ने एक को एक था ना उसमें कि ये मेरे वतन के लोगों में कि एक ने 10-10 को मारा इस टाइप से, तो ये रेशियो वहाँ से आता है। जनरली माउंटेन वारफेयर इज फाउट यूजिंग द पीरियड ऑफ डार्कनेस टू रीच द अपोजिशन आर्मी इंगेज एंड ओवर पावर देम बिफोर द फर्स्ट लाइट ऑफ द डे। तो अधिकांशतः जो वहाँ पे लड़ाई होता है रात में होता है, ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि वेयर डिड ऑर्डर चैलेंज फेस बाय सोल्जर, तो क्या क्या फैले मतलब कि चैलेंज फेस किया था सोल्जर के द्वारा। द फर्स्ट मैटर फैक्टर इज एक्सप्लेनेशन सिंस ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस ड्रास्टिकली। तो क्या जब पहला तो यहाँ पे चैलेंज होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का सप्लाई वहाँ पे कम जाता है, उसके अलावा वहाँ पे भूस्खलन का काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहता है, कब बर्फ स्लाइड कर जाएगा इसका कोई पता नहीं रहता है, वहाँ पे रोड बनाना डिफिकल्ट होता है, ठीक है, हालांकि उसके लिए हमारे बीआरओ काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली एक्टिव है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको कब बनाया गया था इसके बारे में कई बार डिस्कस किए हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। यदि पॉसिबल हो तो आप इसको कमेंट बताइए कि बीआरओ बनाया कब गया था, ठीक है, तो बीआरओ जो 48 से 72 आवर के घंटे मतलब कि अच्छा अच्छा पुल बना देती है। नेक्स्ट, भारत लॉजिस्टिकल चैलेंज, लॉजिस्टिकल चैलेंज क्या है, तो जैसे सोल्जर जब कोई भी ऊपर जाएगा तो वहाँ पे सबसे पहला दिक्कत होता है फ्यूल का। एक्चुअली फ्यूल क्या होता है, जो पहाड़ पर चढ़ने के लिए लद्दाख में यूज करने के लिए स्पेशल टाइप का फ्यूल बनाया जाता है, क्योंकि नॉर्मल जो डीजल हम लोग प्लेन एरिया में यूज करते हैं, पटना दिल्ली के इलाके में जो यूज करते हैं, पटना बनारस यूपी बिहार में जो यूज करते हैं नॉर्मली हम लोग, वो डीजल वहाँ पर नहीं चल पाता है क्योंकि डीजल वहाँ पर जम जाता है, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल तरह का डीजल बनाना पड़ता है, तो स्पेशल इंजन उसके लिए होगा, है ना, इस वहाँ पे ड्रेनेज का फिर काफ़ी दिक्कत होता है, तो पूरा बर्फ, लेकिन पीने का पानी वहाँ पे अवेलेबल जल्दी से नहीं हो पाता है, तो ये सब वहाँ पे चैलेंज फेस करना पड़ता है, ठीक है। व्हाट डिड काइंड ऑफ ट्रेनिंग डू इंडियन ट्रूप गोट इन माउंटेन वारफेयर, किस तरह का ट्रेनिंग उनको मिलता है। तो फर्स्ट ट्रूप आर ट्रेन स्किल माउंटेनिंग ट्रेनिंग, तो सबसे पहला जो ट्रेनिंग होता है पहाड़ पे कैसे चढ़ना है इसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे पत्थर को काट के आगे चढ़ना है,
कर्नल सोनम सेट जनरली सोल्जर्स ऑफ द यूनिट डेट इज गोइंग टू बी इंडक्टेड गेट मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग। तो कहा जा रहा है कि जो सोल्जर को लद्दाख भेजा जाता है या फिर सियाचिन भेजा जाता है उनको कई महीने का ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाता है, उनके लिए काफ़ी बेस्ट इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है, और उनको मतलब कि जो आधुनिक सामग्री है माउंटेन चढ़ने के लिए उनसे लैस किया जाता है, उनको दिया जाता है, उनको इक्विप्ड किया जाता है। तो ये था आज के न्यू डिस्कशन में, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।